हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए रीजनिंग पजल लेकर आई हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज नेक्स्ट इन सीरीज, यानी इस सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर 2 है, 9 है, 28 है, 65 है और 126 है। तो इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है। तो इस नंबर को सबसे पहले आपको गौर से देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर को गौर से देखना होगा। तो नंबर को गौर से देखने पर आपको समझ में आएगा कि ये जो 2 है, ये 2 क्या हो सकता है, ये किस तरह से आया होगा। तो हम 1 क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। 1 क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे हमने 1 लिया था, अब यहाँ हम लेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरह यहाँ पर है 3, 3 का क्यूब लेंगे यहाँ पे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 27 में 1 अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 28। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 4 का क्या लेंगे हम, क्यूब लेंगे। 4 का क्यूब लेंगे तो 4 4 16 16 4 क्या होता है 64। और इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आया है, 65। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25 25 5 कितना होता है, 125 125। में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 126 आएगा। तो यहाँ पर 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ पर सब में 1 1 ऐड किया है तो यहाँ पर भी हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 217। और ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी जो है ये 217 है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किंग, के आई एन जी से पी आर एम टी का कनेक्शन है, तो एम ए एन मैन का कनेक्शन किस से होगा, किस अल्फ़ाबेट से होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक एक अल्फ़ाबेट का नंबर लेंगे तो K का अल्फ़ाबेट नंबर आता है 11 और P का अल्फ़ाबेट नंबर आता है 16, I का अल्फ़ाबेट नंबर आता है 9 और R का अल्फ़ाबेट नंबर आता है 18। तो अगर हम इस तरह से, इस लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। 11 का 16, 9, 18, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट टोटल 26 होते हैं। तो इस 26 अल्फ़ाबेट को हमें हाफ करना है, यानी 13 13 करना है। जिस जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक 13 होते हैं। उसके बाद एन से, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से हमें अल्फ़ाबेट लिखना है। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो के से यहाँ पर के है और ये पी, ये दोनों हमारे मिल गए। आई और आर, देखो ये आई और आर, ये आई और आर, उसी तरह से ये एम और एन, एम एन, और टी का है, टी है यहाँ पर, तो जी और टी, ये दोनों भी मिल गए। तो ये लॉजिक से इसे हम सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर एम का क्या है, एम का है एन, एम के सामने क्या है, एन है। तो ए के सामने क्या है, ए के सामने है जेड, और एन के सामने वापस क्या आएगा, एन के सामने आएगा एम। तो ये हमारा आंसर हुआ, एन जेड एम, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो इसको सॉल्व करने का ये बहुत ही
सही तरीका है। और अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई करेक्ट डायग्राम। तो यहाँ पर चार डायग्राम दिए गए हैं और आपको करेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। तो ये तीनों के लिए, सिंगर्स, बॉयज और डांसर्स, इसके लिए किस तरह से डायग्राम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है सिंगर्स। तो सिंगर्स यानी जो बॉयज़ होते हैं, ये बॉयज़ होते हैं, ये सिंगर्स होते हैं। कुछ बॉयज़ क्या होते हैं, सिंगर्स होते हैं, और कुछ बॉयज़ होते हैं वो होते हैं डांसर्स। हाँ, लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो सिंगर्स भी होते हैं और डांसर्स भी होते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा डायग्राम बनाना होगा, तो सबसे पहले देखिए, तो बॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बॉयज़ होते हैं सिंगर्स होते हैं और कुछ बॉयज़ होते हैं डांसर्स। लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो सिंगर्स भी होते हैं और डांसर्स भी होते हैं। तो उसके लिए ये वाला डायग्राम, यानी ये कि जो बीच का जो है, ये जो हिस्सा है जिसको मैं कलर दे रही हूँ, ये भर रही हूँ, ये होता है हमारा, यानी जो बॉयज़ सिंगर्स भी होते हैं और डांसर दोनों होते हैं। तो ये तीनों के लिए ये जो ऑप्शन सी है, ये एकदम करेक्ट डायग्राम होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड मिसिंग नंबर। यहाँ पर 2, 4, 5, 13 है, 3, 4, 6, 18 है और यहाँ पर 4, 9, 3 और क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें सही नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दिए हैं, तो इस ऑप्शन में जो राइट है वो हमें ढूंढना है। तो अगर मैं 2 में 4 ऐड करती हूँ तो क्या आता है, 6 होता है। 6 में 5 ऐड करती हूँ तो आता है 11। अगर 11 में 2 मिलाएंगे तो 13 आएगा, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पर भी चलना चाहिए। तो 3 + 4 क्या होता है, 7, 7, 6, 13, इसलिए ये वाला लॉजिक रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह से करती हूँ, 4 2s are 8, 4 2s क्या होता है 8, और 8 में अगर ये 5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13, ये वाला 13 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी करके देखेंगे, 3 4s are कितने होते हैं, 3 4s are होते हैं 12, 12 में इस 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 18। तो ये वाला लॉजिक परफेक्ट है। तो इसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करके देखेंगे, तो 9 4s are कितने होते हैं, 9 4s are होते हैं 36, और 36 में इस 3 को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 39, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 2, 6, 4 और ये स्टार है और ये 2 है और इज इक्वल टू 6 है। तो ये जो स्टार है, ये स्टार क्या है, ये हमें देखना है और उसके बाद इसका हमको आंसर ढूंढना है। तो अगर हम 264 को, ये 264 को मैं 2 से डिवाइड देती हूँ, 264 को अगर मैं 2 से डिवाइड देती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, यानी यहाँ पर आएगा 1 3 2, और इस 1 3 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा पहला आंसर। उसी तरह अगर 870 को 3 से डिवाइड देंगे, 870 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3 2s are 6, 3 9s are 27 और ये 0। तो ये 290 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 11 मिलेगा। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला आंसर। तो उसी तरह अभी हम इसे भी सॉल्व करेंगे, तो 735 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आता है, 5 1s are 5, 5 1s are 5 या 2 बचे हैं, 5 4s are 20 और 5 7s are 35, तो ये आया है 147। 147 को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 12। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ, यानी ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है। और ये स्टार क्या मिल गया है हमें, स्टार मिल गया है डिवाइड। तो
उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये आपको खुद को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कमेंट आंसर, तो आपको इसे कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। और ये 1622 का आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरह लॉजिक लगा के ये आंसर आया है, उसी तरह ये 36 को भी आपको फाइंड करना है और मुझे कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो ये आपको कमेंट आंसर करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।